Happy birthday to you. चलो आपको सरप्राइज देख रहे हैं। आपको पता है मैं दोपहर के आई हुई हूँ। बस मैंने कहा चलो आज सरप्राइज देते हैं। अस्सलाम जी, सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी, स्पेशल दिन का आगाज हो चुका है और सर्दी जो है ना बहुत ज्यादा है, मुंह से धुएं निकल रहे हैं। और जी, आज का दिन जो है ना उसके लिए मेरे को सरप्राइज सोचा है, केक वगैरह लेते हैं और चलते हैं। आज मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि लाइट नहीं है, ना कपड़े प्रेस हुए, ना मोबाइल चार्ज है। देखते हैं व्लॉग कैसे बनता है और क्या पहनती हूँ। जी, कार्ड बनाया है अपने भाई के लिए, नवीद साहब के लिए, और उन्होंने लिखा है जी ऊपर, ओपन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नवीद। ठीक है जी, अपने भाई को ये विश कर रही हैं। चलें जी, अब मैं जाने लगी हूँ और नानी अम्मा हमारे साथ हैं, इनको रास्ते में ड्रॉप करना है। चलें अब जी, हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लावर्स। ये जी नवीद साहब के लिए मैंने फ़्लावर्स लिए हैं, और सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन मैं ख़ुद जो है ना अकेली लेने गई थी, तो जो है ना मुझे देख के उन्होंने बहुत महंगे दे दिए हैं, लेकिन ये है कि फ़्रेश थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, फूलों की कीमत कोई नहीं, अगर ये 10,000 का बुके भी मिलता तो मैं ज़रूर लेती और मेरे हस्बैंड भी ज़रूर लेते, क्योंकि ये हम दोनों को ही बहुत पसंद है। उसके बाद मैं आ गई टेलर की शॉप पे, और यहाँ से मैंने उठाना था अपना ड्रेस, ठीक है, और ये मैं अपने पैसे समेट रही थी, टेलर को भी दिए थे, तो ड्रेस यहाँ से मैंने उठाया है। और अब आ गई हूँ जी मैं केक वाली शॉप पे, ये मेरे और मेरे हस्बैंड की फेवरेट शॉप है, मुफिन्स, और यहाँ से मैंने उनके लिए केक लिया। फेवरेट केक मेरा और उनका जो है वो है रेड वेलवेट, तो वो हमने लिया, और उस पर बहुत स्पेशल चीज़ें खाई है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ घर जाके। और यहाँ से जी सैंडविचेस लिए, ये भी मेरे फेवरेट हैं, तो ये लाजमी होते हैं। ये देखें जी, चलते हैं, अब दोनों चीज़ें ही मैंने ले ली हैं और बस चलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, देखते हैं कैसा जो है ना जो एक्सप्रेशंस हैं उनके होते हैं। और सैंडविचेस तो हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिए थे, असल में ये जो प्लान था ना, ये मेरा और मेरी सासू माँ का था, तो वो मुझे पिक करने आई थी, और प्लान सारा जो है ना मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे ना हम उनको सरप्राइज़ देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सरप्राइज़ देने में कामयाब हो गए। एक्सप्रेशंस भी हर चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी और आज लाइट नहीं थी, तो मैंने जो है ना जो ट्राउज़र शर्ट पहना था उसके ऊपर एक गाउन पहना, और मैं जी आ गई टेलर से कपड़े उठाए, और इधर ही आकर मैं रेडी हुई जल्दी से, और फिर जी सरप्राइज़ दिया। ये जी फाइनली हम पहुंच गए, तो मैंने कहा ये वाला जो मोमेंट है ये कैप्चर करो, ये बहुत प्यारा व्यू है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं और मैं अभी फ़्रेश हो गई हूँ, तो यहाँ बन रहा है खाना। ये जी सारा कुछ मेरी सासू माँ ले आई हैं सामान, और नवीद साहब जो है ना ऑफिस में हैं, और हम देने लगे हैं सरप्राइज़। ये देखें जी, बस आज हम बनाने लगे हैं राइस और साथ में कोरमा या कढ़ाई, सेम ही होगी बात, तो फिर देखते हैं जी नेक्स्ट क्या प्लान है, हो क्या है बनना। और पहले हम बना रहे हैं जी कढ़ाई चिकन कढ़ाई, उसके बाद हम बनाएंगे पुलाव, और फिर चलेंगे जी नवीद साहब के ऑफिस, उनको वहाँ देंगे सरप्राइज। फुल बादल और ठंडी हवा है, खाना बन रहा है, और बस मैं रेडी होने लगी हूँ। ये है जी नवीद साहब का ऑफिस, अपने ऑफिस में है वो, फिर हम खाना बना के चलते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। टेबल रेडी होने वाला है, कितनी देर है आंटी जी? कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। और आज हम दोनों जी सास बहू जो है ना नवीद को सरप्राइज़ देने लगे हैं। नवीद को कुछ नहीं पता, सामान आंटी ला के रखा था, केक और जो वो क्या था फूल जो है वो मैं लेके आई हूँ, और आंटी मुझे पिक करने आई थी, तो सब खाना बना के ऑफिस चलते हैं। और खाना जो है ना वो आंटी ने तकरीबन बना लिया है, कोरमा बन चुका है, और जो राइस है ना वो बन रहे हैं, वो भी एंड पे हैं बस। और अब हम चलते हैं जी नवीद साहब को सरप्राइज देते हैं, अभी उनको नहीं पता कि मैं जो है ना उनके घर आई हूँ, ठीक है, और वो है अपने ऑफिस में। चलते हैं जी, शुक्र अभी तक जो है ना फ्रेश है फ्लावर्स, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, ओरिजिनल है मेरे ख्याल से, ओरिजिनल वो है रोज़ है, ठीक है। अब चलते हैं केक में, आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ वहाँ पर, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, ठीक है, और फिर चलते हैं।
जी ऑफिस हम आ गए हैं और इस टाइम मैंने पूछा है, इस टाइम जो है ना कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करें। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हाल है जी, तबीयत सेहत कैसी है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? देखो जी अभी फ्रेश फ्रेश फूल लेकर गई इतनी सर्दी में, कैसी लग रही हूँ मैं? उठाए तो नहीं किसी? क्या ये फूल? नहीं किसी ने उठाया, पहले पहले आपने उठाया सीरियसली? मैंने भी अभी इनको ना स्मेल करके नहीं देखा। मैं कैसी लग रही हूँ? सच्ची? चलो केक कट करे। इस टाइम मैंने आंटी से पूछा था, उन्होंने कहा था अब चली जाओ, कि इस टाइम ना स्टूडेंट्स नहीं बैठे होंगे तो ये ब्रेक का टाइम है, तो मैंने कहा चलो आपको सरप्राइज देख रहे हैं। आपको पता है मैं दोपहर के आई हूँ, बस मैंने कहा चलो आज सरप्राइज देते हैं। हैप्पी जो केक देख के और भी हैप्पी हो जाओगे, उस पे मैंने क्या लिखवाया है ये कदर है, ये कदरों कीमत है। यहाँ पे रख रही हूँ मैं सबसे अपने फ्लावर्स को, मुझे चाहिए। केक देखें, आपका फेवरेट केक है बताओ, कौन सा केक होगा आपका फेवरेट? रेड वेलवेट। यस करें इसको, और इस पे कुछ स्पेशल लाइन लिखवाई है मैंने आपकी शक्ल के हिसाब से, ठीक है? बहुत बहुत प्यारी लाइन लिखवाई है मैंने, आप देख के हैरान हो जाएंगे सीरियसली। क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। मेरी दुनिया तो नहीं है, सच में ऐसा ही है ना? गलत बात। आप मेरी दुनिया, आप बताओ मैं आपकी दुनिया हूँ? झूठ 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 झूठे, ये तो अब व्लॉग के बाद बताती हूँ मैं आपको, सबर कर लो थोड़ा सा। अच्छा ये तो रुक जाओ, स्टूडेंट्स आपको कितने बजे आने हैं? ये उठा इसको जल्दी जल्दी कर लेना, फिर आपके स्टूडेंट्स ने भी आ जाना है। कैसे हैं फ्लावर्स की खुशबू? चोरी किए लगते हैं? नहीं जी बहुत महंगे, 5 रुपए का गुलदस्ता। हाँ जी, हाँ जी दे देना मुझे 5 रुपए का लेने आपने। हाँ ओ हाँ, आपको सरप्राइज दिया तो आप मुझे देंगे ना गिफ्ट कोई ना कोई? हाँ ना देंगे ना, ठीक है। मैंने आपको केक खिलाया लेकिन आपने मुझे नहीं खिलाया, वेरी बैड। चलिए थोड़ा सा खाया था भूखे, मैं खुद खा लूँ। कट हो गया है और हमने खा भी लिया है, टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। सारे जो है अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं और नवीद साहब से दोबारा पूछ लेते हैं कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। अब आप मुझे सरप्राइज़ कब देने लगे हैं? उसका भी डिसाइड नहीं है। वैलेंटाइन डे आ रहा है और अप्रैल में मेरी बर्थडे भी आ रही है, ठीक है? इससे अच्छा सरप्राइज़ चाहिए मुझे, ठीक है? गिफ्ट क्या दोगे? गिफ्ट भी अभी बता दो ना, बता दो ना। नहीं ना अभी बताओ, देखो जब सरप्राइज होता है बंदा कितना खुश हो जाता है, मेरी बेगम ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो उस टाइम दिल में बहुत कुछ आता है, मैं अपनी बेगम को ये दूंगा वो दूंगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही अभी? अभी तो खुशी है ना, बाद में सोचूंगा। बस थी अभी तो फिल वक्त मेरा टाइम है। क्या चीजें वगैरह हम समेटने लगे हैं और चलते हैं, खाना भी रेडी हो गया होगा। चलो नवीद ही उठाएं, अब ये फ्लावर्स मुझे दे दें, ये मैं वापस लेके जाऊंगी घर। बस ऐसे उठा लें, हम फ्रिज में रखते हैं केक, खाने के बाद फिर हम ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
मेरी दुनिया तुम्ही हो, तुम्ही आसरा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही समझ लिखी हुई? ये है जी ऑफिस। और पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था तब सेटिंग और थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी चेंज हो गई है। अभी भी इसको जो है ना चेंज होना है, लेकिन इंशाल्लाह जब अपने घर में शिफ्ट करेंगे ना, तब इंशाल्लाह इससे भी खूबसूरत जो है ना डेकोरेशन हम करेंगे, क्योंकि तब वो परमानेंट डेकोरेशन करनी है। और जी दूसरा सरप्राइज़ आया था नवीद साहब के बेस्ट फ्रेंड की तरफ से, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, तो ये था उनकी तरफ। रेडी हो गया है, बस अब खाना सर्व करते हैं, खाते हैं और फिर देखते हैं जी नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, केक जो है ना वो कट हो गया है, बस मैंने सरप्राइज़ देना था, खाना जो है ना आंटी ने रेडी कर लिया है, अब खाना खाते हैं और देखते हैं जी आंटी ने कैसा खाना। यहाँ सर्व करने लगे हैं सबका। ठंड बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इग्नोर मत। रेडी हो गया है, ये जी आंटी ने बनाया है चिकन कढ़ाई, ये रायता है और ये है जी चिकन पुलाव। बस अब खाना एंजॉय करते हैं। खाना मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, बस इसी प्रेपरेशंस में जाना पूरा डे मेरा गुजर गया है। ना मैंने नाश्ता किया है, ना मैंने दोपहर को कुछ खाया, बस अब डिनर रेडी हो गया है, अब खाना खाते हैं फिर जी मिलते हैं। बस खाने के टाइम कोई गपशप नहीं। और जी ये है सेकंड सरप्राइज, पहला सरप्राइज मेरी तरफ से था और दूसरा सरप्राइज जो है इनके भाई की तरफ से है। ये देखें जी, वही बेस्ट फ्रेंड भाई, एक ही बात है। तो कैसा लगा आपको दो दो सरप्राइज, कैसे लगे? बहुत अच्छा। कैसा फील हो रहा है, बेगम ने भी सरप्राइज दिया और भाई ने भी? ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस टाइम मेरा हुलिया जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसीलिए जो है ना सामने आके मैं आप लोगों को जो है ना गुड बाय नहीं कह रही। तो जी आज की वीडियो को देख के बहुत सारी दुआएं और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।